औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान वजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। उम्मीद करता हूँ कि सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। मैं हूँ डॉक्टर हमाद कौकब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमाद हेल्थ केयर। आज एक नई होम मेड रेमेडी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। होम मेड रेमेडी आज कल के मौसम के मुताबिक और आगे जो सर्दियाँ आ रही हैं उसके मुताबिक जो नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार जो आप लोगों को हो जाता है उसके लिए ये रेमेडी है, बहुत ही बेहतरीन है। और ऐसे लोग जिनको नज़र का मसला है वो भी ये लोग खा सकते हैं, और ऐसे अफराद जिनको दिल का मसला है वो अफराद भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इंतहाई आसान नुस्खा है, आप लोगों के घर की चीज़ें हैं, होममेड रेमेडीज़ हैं, टोटल आपकी किचन की चीज़ें हैं, आप लोग नोट फरमा लीजिएगा। और हाँ, आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि जल्द ही मैं आपको एक ऐसी रेमेडी भी बताऊंगा जिससे मैंने अपना वेट लॉस किया है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस माह के अंदर अपना 12 केजी यानी कि 12 किलो अपना वज़न कम किया है। इंशाल्लाह जल्द आपके साथ वो भी शेयर करूंगा, क्योंकि अभी मैं ये रेमेडी खुद यूज़ कर रहा हूं, उसके बाद आप लोगों को ये रेमेडी बताऊँगा। अब आप आ जाएँ अज़ा की तरफ जो मैं आपको बता रहा था, नज़ले, खांसी, ज़ुकाम के लिए, और इसके अलावा किसी को ऐनक का मसला यानी कि नज़र का मसला, ऐनक लगाते हैं वो, या जो अमराज कल्ब के मरीज़ हैं वो ये चीज़ ये सफ़ूफ बनाकर घर में रखें और खा सकते हैं। 50 ग्राम मिश्री ले लेंगे। मिश्री आपकी खून की कमी को दूर करती है और इम्यूनिटी सिस्टम को आपके बेहतर बनाती है। अच्छा, और खशखाश ले लेंगे 100 ग्राम। खशखाश नज़ला ज़ुकाम को ख़त्म करने का बेहतरीन सोर्स है, नज़ला ज़ुकाम ख़त्म करती है और इसके अलावा खून को जमने से बचाती है, जो क्लॉटिंग होती है हमारे जिस्म में खून की उसको जमने से ये बचा लेती है। काली मिर्च ले लेंगे 25 ग्राम, ये डिप्रेशन से भी आप लोगों को बचाती है और जिस्म में कुव्वत मुदाफियत पैदा करती है। फिर आप ले लेंगे सौंफ, सौंफ आप ले लेंगे 30 ग्राम, सब्ज़ वाली लेंगे सौंफ, ग्रीन सौंफ, ये आपका हाजमा बेहतर करती है। और इसके अलावा सोजिश और दर्द के लिए ये बहुत अच्छा एक नेचुरली सोर्स है। आप सौंफ ले लेंगे 30 ग्राम। चने ले लेंगे भुने हुए छिलके वाले, चने भुने हुए छिलके वाले 100 ग्राम आप वो ले लेंगे, ये जिस्म में ताकत पैदा करते हैं, आयरन की कमी को दूर करते हैं, जिस्म में खून पैदा करते हैं और हमारे जिस्म में अगर जो थकावट वगैरह हो जाती है उसके लिए भी ये बेहतरीन सोर्स हैं और खसूसन दिल के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ आप ले लेंगे देसी बादाम, 100 ग्राम आप ले लेंगे देसी बादाम, जो कि कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स है। और सौंफ और मिश्री को अगर आप पाउडर बना के रख लेते हैं तो ये आपके लिए समझे दिल के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप इसमें साथ, अब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी में भी काम आ जाती हैं और इसके अलावा आपकी नज़र के लिए भी और दिल के अमराज के लिए भी काम आ जाती हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों को आप पहले एक हावन दस्ते में अच्छे से पीस लेंगे। पीसने के बाद आप इसे ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इसका सफ़ूफ बना के अपने पास रख लेंगे। सफ़ूफ बनाने के बाद आप इसे एक चम्मच छोटी सुबह ग़िज़ा के बाद पानी के साथ और एक चम्मच छोटी सुबह शाम को ग़िज़ा के बाद खा सकते हैं। और ऐसे अफराद जिनको शुगर नहीं है, ऐसे अफराद जिनको शुगर नहीं है वो खालिस शहद भी साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को शहद लाजमी दिया करें, आजकल के मौसम में बच्चों के लिए शहद बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं लाता हूँ आपके लिए होममेड रेमेडीज़। बहुत शुक्रिया।